प्लीज गिव इट अप फॉर आशीष सोलंकी। मैं आज लाइफ में जो भी हूं अपने बलबूते हूं, इसलिए मेरा अच्छा नहीं चल रहा। पर फिर मेरे दोस्त बने, मैं अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकता हूं और मुझे लगता है वो लेना भी चाहते हैं। मुझे तब पता चला, मेरे साथ पहली बार ट्रिप पे गया था ना, मुझे वो सर्दियों में पहाड़ों पे ले गए। लॉन्ड है ना, फन की पूरी गारंटी देता है, लेकिन जिंदगी बचने की नहीं। वहां -8 डिग्री सेल्सियस था, -8, मेरे फ्रिज में 0 से 4 है। अगर वहां जाके मैं फ्रिज में बैठ जाऊं ना तो मुझे लू लग जाए। हम कहीं जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सब सेल्फी तो अच्छी आए, सारी ब्लर आई है वहां। बहुत ठंड वहां, इतनी सर्दी थी, मुझे रात को सपने में भूतनी आई, उसने साड़ी के ऊपर कार्डिगन पहना हुआ था। समझ रहे हो, ऐसे उल्टे पैर, गरम जुराबें, हाथ में थर्मस, उसमें गरम खून, ऐसे कह रही कि खा जाऊंगी। मुझे डराने के बाद में 3 बार छींकी वो। मैंने कहा ब्लेस यू, कहती RIP। और इस सर्दी में मेरे दोस्त बैकी बैकी बातें करने के लिए नहा लेते हैं। मैंने कहा मुझे डायरेक्ट गोली मार, 4 प्ले नहीं चाहिए। ठंड में चेहरा वेरा फट जाता है ना, मेरा चेहरा फट गया, मैं अंदर से क्रीम निकाली तो उसमें लड़की बनी थी, उसका भी चेहरा फटा हुआ था। तो सबसे पहले निकाल के मैंने उसे ही लगाई। मैंने कहा हमारे ग्रुप में एक ही तो लड़की है। मेरी सुमन इतनी प्यारी है, पैकेट पे भी लिखा है नॉन टॉक्सिक। मैंने पैकेट पे लटके देखा, ओ माय गॉड, सुमन एक्सपायर हो चुकी है। आई मिस यू सुमन। लॉन्डो का सीन है ना, वो 4 दिन की ट्रिप के लिए ना 2 दिन की पैकिंग करते हैं, भाई क्या पता जल्दी मर ही जाए। वो इस भरोसे रहते हैं कि सामान वो तो दूसरा ले ही आएगा। हाँ, इसमें गलती देख रहे हो, हमारे में सिर्फ भरोसा ही रह गया। देख रहे, हिमाचल में 3 लॉन्डे सुबह ब्रश लिए खड़े हैं। कोई टूथपेस्ट नहीं लाया, 3 ऐसे खड़े, 1 ऐसे खड़ा है। Every line, dude. वो ब्रश भी नहीं लाया, वो सोचता कोई पेस्ट लाएगा तो कर लेंगे। अब कोई एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहा और ऑकवर्ड तो लग ही रहा है, तो ऐसे ही घिस रहे हैं। आप सोचो यार, हम 4 लॉन्डे थे, 3 ग्लव्स लाए थे, 3 जोड़ी नहीं, 3 हाथ, लाइटर 6 थे। ये कर्म जले कल को बाप बनेंगे। वो बच्चे की सोचो, पापा मेरे बाल क्यों काट रहे हो, बेटा कंघी कौन ही रखे। इतनी सर्दी में दोस्त बोले, मैं बहुत ज्यादा सर्दी है, हमारे कमरे में हीटर का इंतजाम तो है ना। कहता भाई 2 बुरी खबरें हैं। मैंने कहा अच्छा, कहता क्या? कहता हीटर तो नहीं है। मैंने कैसे कैसे काम चल रहा, दूसरी कहता कमरा भी नहीं है। मैं तो, कहता टेंट है। मैं क्यों? कहता एडवेंचर। मैं भाई प्लीज मेरे लिए किसी का फ्रिज खुलवा दे, मुझे उसमें बैठना है, वहां कोजी लगेगा। कह रहा अभी तो तू कह रहा है, बट द व्यू विल हील यू। मैंने कहा बट द कोल्ड आई विल किल मी। कह रहा सुबह देखियो, मैं सुबह तक बचेंगे तभी तो। पता पूरी रात मैंने टेंट में रात कैसे काटी, बस ये थे तो कि हवा साली घुस कहां से रही है।
गया, मैंने व्यू देखने के लिए टेंट खोला, इतना प्यारा व्यू, फॉग. समझ रहे हो कि आंखें खुली हैं पर बंद ही हैं. मुझे लगा मैं भी चल बसा गया. क्या ऐसा होता है स्वर्ग? सुमन यहीं कहीं होगी. मुझे कुछ नहीं दिखा, टेंट से व्यू पता क्या था? दूसरा टेंट. उसमें तड़पते मेरे ही दोस्त. कह रहे भाई तू बच गया. मैंने कहा अरे तो नरक है. ये यहाँ बैठे हैं हम, बाहर जा रहे हैं. हमारा गाइड हमसे कह रहे बाहर तो जा रहे हो लेकिन जानवरों से बच के रहना. मैं बच के? मुझे वो तब देखा जब मेरी गर्दन उसके मुंह में होगी. फिर मैं ये नहीं बोलूंगा कि भागो यहाँ कुछ है. मैं कहूंगा आओ दोस्तों एक मस्त चीज दिखाता हूँ. कम से कम जो दोस्त लाया वो तो मरे. उसका भाई लॉन्डो के साथ में बेस्ट ट्रिप वो होती है जो कैंसल हो जाए. क्योंकि मुझे व्यू दिखाने लेके गए थे ना, मुझे सनराइज पॉइंट पे लेके गए और फोन में गूगल करके दिखा रहे कि नॉर्मल दिनों में ऐसा दिखता है. थैंक यू सो मच. माय नेम इज आशीष सोलंकी. थैंक यू.